नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मॉडेम और डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्सेस पॉइंट क्या होता है। जनरली जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग के लिए जो हार्डवेयर क्या होते हैं, और उसके लिए जैसे मॉडेम भी यूज़ होता है जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है कि इंटरनेट के साथ हमारा कनेक्टिविटी कैसे पॉसिबल है एक पर्सनल कंप्यूटर का। तो एक पर्सनल कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ना है, क्योंकि इंटरनेट तो नेटवर्क में ही आता है, तो अगर हम नेटवर्क से जुड़ते हैं तो फिर इंटरनेट की फैसिलिटी हमको मिलने लगती है। तो नेटवर्क के साथ कैसे जुड़े, तो उसके लिए जो डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी डिटेलिंग आपको पता चल जाएगी कि एक कंप्यूटर को नेटवर्क के लिए कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से उसका यूज़ होता है। तो पूरी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी मिलती है या कुछ वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ई टीचिंग गुरुकुल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर में फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप ए कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सेटअप ए कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब आप जैसे हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की हम लोग बात करेंगे तो किस तरह से होता है, तो मैं आपको इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो हमारे पास जो होता है, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास सबसे पहला है वो है, सबसे पहला जो हमारा जो डिवाइस है वो है अपना नेटवर्क केबल है। नेटवर्क केबल का यूज़ जो होता है, जनरली हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से केबल जो होता है उसका यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब बताया गया, सपोज कर लो मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो नेटवर्क के साथ जुड़ना है, यानी हम कैसे करके आपस में नेटवर्क को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो चीज़ होगा। फिर नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जिसमें दो तरीके के कार्ड के बारे में बताऊँगा, इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के बारे में बताऊँगा। उसके बाद जो होता है मॉडेम्स क्या होता है, एक बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसमें अर्लियर डेज में जैसे टेलीफोन कनेक्शंस होते थे तो उसके थ्रू हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे करते थे एक पर्सनल कंप्यूटर को, उसके बारे में। और लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस पॉइंट के बारे में कि एक्सेस पॉइंट कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअली, एक्सेस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क केबल। तो जब हम लोग नेटवर्क केबल की बात करते हैं, तो नेटवर्क केबल जब हम लोग करते हैं तो नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो यानी जनरली नेटवर्क केबल का यूज होता है कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट, यानी कंप्यूटर को अगर हम बात करेंगे एक पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम नेटवर्क केबल का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क केबल जो होता है इस तरह से अलग अलग एंगल में आपको दिखाया गया है कि इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं। तो यानी ये सभी एक ही नेटवर्क केबल को जो होता है अलग अलग एंगल से आपको शो किया गया है। और सबसे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे पास होता है कि मोस्ट कॉमनली यूज केबल इज़ कैटेगरी 5। तो यानी ये जो कैटेगरी 5 के जो केबल्स होते हैं, यानी जिसको हम लोग RJ45 के नाम से जानते हैं, तो ये कैटेगरी 5 केबल होता है, जो कि यानी ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये कैटेगरी 5 के केबल्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जनरली जो हमारे पास नेटवर्क केबल यूज़ होता है वो RJ45 नेटवर्क केबल ही होता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है, तो यू कैन सी दैट ए कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वन बाय ए सीरियल पोर्ट, बट इफ़ वी नीड टू कनेक्ट मेनी कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क दिस सीरियल कनेक्शन विल नॉट वर्क। तो इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो हम एक जैसे हम लोग बात करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, और मान लो सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हुए अगर हम जोड़ते हैं, तो अगर हम उसको कनेक्टिव मतलब एक मेनी कंप्यूटर यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम एक तार को आपस में जोड़ लेते हैं, तो एक तार से मल्टीपल तार जोड़ने से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंप्यूटर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ
हमको प्रोविजन देना पड़ता है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजन का मतलब होता है कि अगर हम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक बिजली के तार से मल्टीपल बिजली कनेक्शन देना है, तो वो तो ईजी होता है कि हम मल्टीपल तार को एक तार के साथ ट्विस्ट कर देते हैं तो वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बट ये चीज़ अगर कंप्यूटर में करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन इज़ टू यूज़ ए सेंट्रल बॉडी टू विच अदर कंप्यूटर्स प्रिंटर स्कैनर एक्सेट्रा कैन बी कनेक्टेड एंड देन दिस बॉडी विल बी मैनेज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो यानी मैनेज करना, या फिर उसको हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ट्रैफिक। तो यानी ये जो आप देख रहे हो, यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, तो ये एक तरीके से जो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, जिससे आप स्कैनर प्रिंटर यानी नेटवर्क के थ्रू आप मल्टीपल नंबर ऑफ स्कैनर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंटर्स एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स को आप जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, यानी आपस में कनेक्ट होकर काम करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मल वे में अगर सीरियली उसको जोड़ते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में ऐसा दिखता है। तो सेकेंड हमारे पास जो नेटवर्क के लिए यूज़ होता है वो हो गया। अब तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस, यानी नेटवर्क कार्ड होता है। तो नेटवर्क कार्ड के लिए हमारे पास सबसे पहला ये कंसेप्ट में बता रहा है कि नेटवर्क कार्ड इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को, अगर कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है तो इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, यानी कंपलसरी है। तो कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा हमारे पास, तो इसके बिना हमारे पास ये जो नेटवर्क का कनेक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी मस्ट है नेटवर्क कार्ड। अब आता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए नेटवर्क अडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, NIC के नाम से भी जानते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका मतलब है इट्स ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू कनेक्ट विद द पर्सनल कंप्यूटर, सॉरी कनेक्ट विद द नेटवर्क। तो यानी नेटवर्क के साथ अगर आपको जरूरत है तो ये जरूरी कंपोनेंट है जो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ेगा नहीं, यानी आप इसमें नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटरनेट का कनेक्शन आपको पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल्ड। ये तो सिंपल सी बात है कि आजकल अगर आप कोई ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदते हो या कोई लैपटॉप खरीदते हो, तो उसमें ये जो नेटवर्क कार्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, क्योंकि आज के समय में बिना नेटवर्क या बिना इंटरनेट का हमारा लाइफ या कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ब्रांडेड या लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें ये होता है। अब जो हमारे पास नेटवर्क जो कार्ड होते हैं वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो इंटरनल टाइप का होता है, और दूसरा जो नेटवर्क कार्ड होता है वो एक्सटर्नल टाइप का नेटवर्क कार्ड होता है। तो देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो होता है वो कैसे होता है, दिखता है। तो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल नेटवर्क, जो हमारे पास जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि इंटरनल नेटवर्क कार्ड कैसे काम करता है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं मदरबोर्ड हैज़ ए स्लॉट फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड वेयर इट इज़ टू बी इंस्टॉल्ड। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम नीचे फिगर देखते हैं, तो फिगर में अगर आप देखते हो तो दिस इज़ मदरबोर्ड। तो इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हो कि ये जो स्लॉट है, यानी ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है, ये वाइट कलर का जो स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट अवेलेबल होता है, जिसमें आप जो होता है आप देख सकते हो कि जो हमारे पास नेटवर्क कार्ड होता है वो इस तरह से दिखता है। ये जो दिख रहा है ये नेटवर्क कार्ड है। तो ये जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे नीचे फिट हो जाता है। और आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है आपके पास, जो ये जो स्क्वायर में फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि जब इसको यहाँ फिट करते हैं तो यहाँ फिट हो जाता है, और ये जो पोर्शन है यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जाके डायरेक्टली ये जो स्लॉट होता है इसमें आप फिट कर देते हो। तो इस तरह से वो आपके कंप्यूटर में जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके पीछे भाग में दिखने लगता है। आप देख सकते हो कि RJ45 जो केबल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मदरबोर्ड में ये स्लॉट अवेलेबल होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जोड़ने के लिए, जो कि इंटरनल टाइप जो होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद काम करने लगता है। सेकेंड जो होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड आर आर टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है। तो इसमें जो मैंने डिस्कशन किया वो एक फर्स्ट टाइप का होता है, जो इसमें आपको पता चलेगा कि ये दो तरीके का होता है।
तो इन विच द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस यानी पीसीआई कनेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया अभी नीचे पीसीआई कनेक्शन के थ्रू होता है। और वाइल द सेकंड टाइप इज कॉल्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आप स्लॉट आपके पास अवेलेबल है उसमें आप अलग से लगाते हो, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आपको कंपनी आपको फिट करके देगा, मदरबोर्ड में वो इनबिल्ट होता है तो वो फिट करके देगा, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से पीसीआई स्लॉट के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है उसके थ्रू होता है। तीसरा जो पॉइंट आपको बता रहा है कि नेटवर्क केबल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आपके पास जो होता है जो आप यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड आरजे, आप जो होता है 45 केबल का जो होता है यूज़ करते, मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपको बताया था आरजे 45 केबल कैसे होते हैं। तो ये जो RJ 45 केबल है वो इस स्लॉट में आप लगाते हो, यानी ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको फिट होता है। तो इसीलिए आपको अगर इंटरनल नेटवर्क कार्ड का यूज़ करना है तो ये हमको ज़रूरत पड़ता है, केबल की ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम लोग नेटवर्क जो केबल होता है उसको उसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सटर्नल इंटरफेस नेटवर्क कार्ड। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो होता है आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स आर टू टाइप, ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है वायरलेस और एक होता है USB बेस्ड। वायरलेस जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वायरलेस टाइप का नेटवर्क कार्ड होता है, सेम एज होता है जैसे मैंने बताया यहाँ भी ये PCI स्लॉट में यूज होता है, यानी ये जो आपके पास स्लॉट दिया हुआ है इसमें ये कनेक्ट हो जाता है और इसको भी हम लाके यहाँ फिट कर देते हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको एक वायर की यानी जो RJ 45 केबल है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एंटीना होता है वायरलेस का काम करता है। तो ये वायरलेस टाइप का होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो सराउंडिंग कोई भी एक्सेस पॉइंट उसको मिलता है, वायरलेस पॉइंट मिलता है, जैसे कि सपोज कर लो कॉलेज प्रमाइसिस या कॉलेज कैंपस में या आपके घर में कोई हॉटस्पॉट है तो ये ऑटोमेटिकली उस हॉटस्पॉट को डिटेक्ट कर लेगा, यानी इसमें केबल की रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल टाइप का नेटवर्क कार्ड है जो कि वायरलेस के फॉर्म में काम करता है। सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड इन द मदरबोर्ड, हाउएवर नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें कोई नेटवर्क कनेक्ट मतलब केबल की जरूरत नहीं पड़ता, यानी इंटरनल कार्ड के लिए जो NIC कार्ड के नाम से भी जानते हैं उसके लिए नेटवर्क केबल की जरूरत पड़ती है, और वायरलेस के लिए आपको नेटवर्क केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से ये जो आपके हॉटस्पॉट होते हैं या फिर कॉलेज कैंपस के जो वायरलेस कनेक्शन होते हैं एक्सेस पॉइंट होता है उससे वो डिटेक्ट, यानी इसमें केबल की रिक्वायर्ड नहीं है, ये वायरलेस टाइप में काम करता है क्योंकि इसमें ये एंटीना आपके पास अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड और इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड में सेकंड पार्ट जो होता है USB टाइप का होता है। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें जो होता है USB कार्ड इज ईजी टू यूज एंड कनेक्ट वाया द USB पोर्ट। इसका मतलब होता है इसमें आपके पास जो वो वायरलेस कार्ड मैं आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था ये वायरलेस कार्ड इसमें यूज नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली ये USB को आप कनेक्ट करते हो। जैसे आप USB कनेक्ट करते हो तो ये जो USB आप देख सकते हैं इसी USB में वायरलेस की फैसिलिटी होती है, तो सीधे सीधा ये जो होता है एक तरीके से नेटवर्क का काम करने लगता है। तो सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है आप देख सकते हो यहाँ जो इतना बड़ा जो आपके पास कार्ड का यूज़ हो रहा है वो कार्ड इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि एक USB में आ जाता है। अब उस USB को जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क कार्ड यानी जो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होता है उसकी तरह वायरलेस फॉर्म में काम करने लगता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो भी हॉटस्पॉट होते हैं या जो भी एक्सेस पॉइंट होते हैं वायरलेस के उसको वो डिटेक्ट करने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकली आपको बिगर एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के बदले में छोटा सा पेन ड्राइव के फॉर्म में USB कार्ड में अवेलेबल होता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग से जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है आपको अभी समझाऊंगा मैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मॉडेम का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, दो पार्ट होता है। यानी पहला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो मॉड्यूलेशन कहलाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो डीमॉड्यूलेशन का पार्ट होता है, यानी दो टर्मिनोलॉजी को मिला के एक बनाया गया। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि ये जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं आर यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स ओवर एनालॉग टेलीफोन। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि डिजिटल सिग्नल्स होता है और इस डिजिटल सिग्नल्स को हमें जो होता है आपके पास जो अवेलेबल होता है एनालॉग टेलीफोन लाइन्स। तो यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होता है कि अर्लियर डेज में हमारे पास अगर इंटरनेट का यूज़ करना होता था तो इतने ईजिली हमारे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतने सारे जो अगर हम बात करेंगे इंटरनेट के कनेक्टिविटी की, जो हमारे पास बैकबोन था वो है टेलीफोन कनेक्शंस, क्योंकि अर्लियर डेज में टेलीफोन कनेक्शन ही पूरे देश में था।
या पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सबसे बड़ा नेटवर्क था वो टेलीफोन नेटवर्क है। तो ये जो टेलीफोन नेटवर्क के होते हुए अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी करना चाहते थे तो पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि नेटवर्क जो टेलीफोन लाइन होता है वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है और जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डिजिटल डेटा को एनालॉग वायर के थ्रू या एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में कैसे सेंड किया जाए। तो इसीलिए हमको ये ज़रूरत पड़ा है मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता है, आपकी जो डिजिटल सिग्नल्स यानी पीसी के जो सिग्नल्स है उसको एनालॉग सिग्नल में भेजता है, जिससे कि ये टेलीफोन लाइन में भेजने के लायक हो जाता है। तो इसलिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब याद है कि डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड बाई ए मॉडेम इनटू एन एनालॉग सिग्नल्स विद ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है एंड ट्रांसमिटेड टू ए मॉडेम एट द रिसीविंग लोकेशन। तो इसका मतलब होता है कि एक आप अगर दो पीसी की बात करते हैं तो दोनों पीसी के एंड में जो होता है आपके पास मॉडेम लगे रहता है। तो आपके एक पीसी से जब डेटा को सेंड करते हैं तो वो मॉडेम के थ्रू, यानी अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास ये एक पीसी है तो ये जो होता है एक मॉडेम में कनेक्ट हो जाता है। अब इस मॉडेम के थ्रू जो होता है हमारे पास ये वर्ल्ड नेटवर्क से जुड़ते हुए सेकंड एंड पे चले जाता है और यहाँ पे वो जो होता है अगेन एक मॉडेम से कनेक्ट होता है और ये मॉडेम जो होता है आपके पास जो पीसी होता है पीसी से कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है और यहाँ पे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंड में हमारे पास मॉडेम का होना जरूरी है। यहाँ से डिजिटल सिग्नल्स जो होता है मॉडेम पे आता है और कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो होता है कन्वर्ट होने के बाद एनालॉग सिग्नल्स यहाँ आता है। अब ये एनालॉग सिग्नल्स यहाँ ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ से डेटा जो होता है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी मॉड्यूलेशन है। तो इसका मतलब होता है कि इस एंड में मॉड्यूलेशन होता है और दूसरे एंड में डीमॉड्यूलेशन होता है, यानी एक एंड में जो होता है एनालॉग से अगर हम बात करेंगे तो ये डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और ये जो होता है हम बात करेंगे ये एनालॉग डेटा को जो वायर के थ्रू आया है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि फाइनली ये जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटली काम करता है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो एनालॉग नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसीलिए मॉडेम का यूज होता है। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं द रिसीविंग मॉडेम परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिसीविंग मॉडेम जो होता है जस्ट डीमॉड्यूलेशन का काम करता है एंड प्रोवाइड ए डिजिटल आउटपुट टू द डिवाइस कनेक्टेड टू ए मॉडेम। जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ पे समझाया गया है। और उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, द डिजिटल डेटा इज यूजुअली ट्रांसफर्ड और टू और फ्रॉम ए मॉडेम ओवर ए सीरियल लाइन, जिसको हम लोग बोले टेलीफोन लाइन जो होता है सीरियल लाइन के फॉर्म में होता है, थ्रू एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंटरफेस। तो यानी जो इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उस स्टैंडर्ड का नाम है R232, यानी हम जो डेटा एनालॉग फॉर्म में सेंड करते हैं वो RS232 जो स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करता है। अब आते हैं कि मेनी टेलीफोन कंपनीज ऑफर DSL सर्विसेज, यानी डेटा सब्सक्रिप्शन लाइन जो होता है डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन DSL सर्विसेज होता है एंड मेनी केबल ऑपरेटर्स यूज मॉडेम एज एन टर्मिनल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ होम एंड पर्सनल यूज। जैसे कि इस पॉइंट में आपको बताया गया है, यानी ये अगर हम पार्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट में ये बताया गया है बहुत सारे टेलीफोन कंपनीज जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड करता है और एंड मेनी केबल बहुत सारे केबल ऑपरेटर उस समय आए, मतलब अर्लियर डेज की बात करेंगे, थोड़े से पहले की बात करेंगे, अभी के करंट सिनारियों से थोड़े दिन के मतलब थोड़े साल पहले की बात करेंगे, तो ऑपरेटर्स आर यूज मॉडेम का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पर्सनल यूज़र है या होम है वो सीधे हम नेटवर्क के साथ जुड़ सके, यानी इंटरनेट के साथ जुड़ सके, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद जो होता है मॉडेम वर्क्स ऑन बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर आपको OSI लेयर या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो 7 लेयर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी है तो आपको समझ में आएगा कि वन ऑफ द टू लेयर्स यानी बॉटम लेयर्स और डेटा लिंक लेयर, ये दो लिंक लेयर का जो होता है मॉडेम बेसिकली यूज करता है। अब देखिए बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग से एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे कि ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, आपका जो डेटा देख सकते हो कि ये जो डेटा है वो 0-1 यानी डिजिटल डेटा है, दिस इज ए डिजिटल डेटा, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया डिजिटल डेटा। तो ये डिजिटल डेटा को जब हम ट्रांसमिट करते हैं यानी मॉडेम से होते हुए ये डेफिनेटली ये एनालॉग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है कि ये एनालॉग में आ गया आपका। तो यानी आपका जो डिजिटल डेटा पर्सनल कंप्यूटर से होते हुए मॉडेम से होते हुए एनालॉग में, तो यानी ये मॉड्यूलेशन हो गया।
यानी यहाँ पे हमारे पास जो होता है सीधी सी बात है कि मॉड्यूलेशन हो रहा है, यानी ये हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, मॉड्यूलेशन, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो मॉड्यूलेशन के बाद जो होता है ये डेटा जा रहा है यानी टेलीफोन वायर के थ्रू। अर्लियर डेज में आप देख सकते हैं कि इस तरह से टेलीफोन वायर के लिए जो हमारे पास खंबे लगे होते थे उसके थ्रू जो होता है टेलीफोन जा रहा है। अब ये रिसीविंग एंड में जैसे ही जाता है तो सेम सेटअप जो होता है रिसीविंग एंड में होता है। तो यानी जब डेटा वापस मॉडेम में आता है तो डी मॉड्यूलेशन होता है, और डी मॉड्यूलेशन से होते हुए डेटा जो होता है यानी एनालॉग डेटा रिसीविंग एंड में डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू फिर डिजिटल में कन्वर्ट होकर चले जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे थोड़ा इंटरनेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर से डेटा जो होता है मॉडेम के थ्रू होते हुए, यानी अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से डेटा जो होता है मॉडेम के थ्रू होते हुए हमारा इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है। इंटरनेट मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको हम लोग कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो इंटरनेट की तरह जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक जो हमारे पास एनालॉग मीडिया है या एनालॉग जो वायर कनेक्शन है यानी टेलीफोन कनेक्शन है उसके थ्रू हमारा डेटा इजीली पहुंच जाता है। सेम एज अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से होता है तो इस तरह से हमारे घर में टेलीफोन के सॉकेट्स लगे होते थे, और उस सॉकेट्स जैसे एक सॉकेट या मल्टीपल सॉकेट्स होते थे। मल्टीपल सॉकेट्स में जैसे एक में आपने फ़ोन लाइन या फैक्स को लगा के रखा, दूसरे में आपने जो होता है फ़ोन लाइन के थ्रू जो होता है मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होके आपने अपना जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको जोड़ के रखा। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि मॉडेम के होने की वजह से हमारे जो एनालॉग जो बैकबोन था उसका यूज़ हम लोग किस तरह से डिजिटल के थ्रू, यानी जो हमारे पास कंप्यूटर था जो डिजिटल में वर्क करता था, यानी हम किसी चीज़ को वेस्ट किए बिना हम एक इंटरमीडिएट यानी बीच में एक इंटरफेस जिसको हम लोग मॉडेम बोल रहे हैं उसको प्रोवाइड करते हुए हम एक एनालॉग वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़ के काम कर रहे हैं। और इस तरह से अर्लियर डेज में जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी जिसके लिए हमको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बजाय एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ करते थे। अब आते हैं एक्सेस पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट के लिए हमारे पास होता है कि वाइल एन एक्सेस पॉइंट एपी, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, कैन इन टेक्निकली इन्वॉल्व आइदर ए वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। तो यानी एक्सेस पॉइंट का मतलब वायरलेस से नहीं होता, एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जिसके थ्रू हमारा जो डिवाइस होता है वो डेटा को ट्रांसमिट मतलब डेटा को रिसीव या सेंड करता है जिस पॉइंट से। तो ये दो तरीके से हो सकता है, वायर्ड यानी जैसे मैंने आपको बताया था एनआईसी कार्ड, तो आप वायर कर रहे हो तो वो जो एनआईसी कार्ड में जो एक्सेस पॉइंट होता है यानी जो पोर्शन होता है जिसमें हम केबल को कनेक्ट करते हैं वो एक्सेस पॉइंट हो गया, तो वो हो गया वायर टाइप का। और वायरलेस मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल या यूएसबी टाइप, तो वो हो गया वायरलेस कनेक्शंस जो यानी यूएसबी आपके लिए एक्सेस पॉइंट हो गया। तो इट कॉमनली मीन्स ए वायरलेस डिवाइस। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक वायर्ड या वायरलेस जो कनेक्टिविटी होता है यानी जिसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं यानी जिस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट अगर हम बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो अगर हम वायरलेस की बात करते हैं यानी अगर हम वायर्ड की बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका ट्रांसमीटर या रिसीवर की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वायरलेस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास ट्रांसमीटर्स भी होते हैं और दूसरा होता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है कि ट्रांसीवर, जिसको हम लोग रिसीवर को हम लोग ट्रांसीवर के नाम से जान सकते हैं, यानी जस्ट ट्रांसमिशन के उल्टा होता है। तो रिसीविंग होता है और ट्रांसमिटिंग, यानी एक तो होता है सेंडिंग करने के लिए होता है और एक रिसीविंग, यानी वायरलेस के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो ये दो चीज़ें हमारे कंसेप्ट में आता है। तो क्रिएटिव वायरलेस, तो इस तरह से हमारे पास अगर दो फैसिलिटी होता है किसी डिवाइस में, ट्रांसमिशन करना और रिसीविंग करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस लैन। एक्सेस पॉइंट टिपिकली आर सेपरेट नेटवर्क डिवाइस विद ए बिल्ट इन एंटीना ट्रांसमीटर एंड अडाप्टर। तो अगर हम एक्सेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं जनरली एक्सेस पॉइंट जो होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए ही जनरली यूज करते हैं, वायर्ड के लिए एक्सेस पॉइंट का उतना ज़्यादा मीनिंग नहीं है, या उतना ज़्यादा अगर हम डीप की बात करेंगे तो उतना ज़्यादा डीप में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सेस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जनरली वायरलेस टेक्नोलॉजी को ही दिया। तो अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से एक सेपरेट नेटवर्क डिवाइस होता है जिसमें एक एंटीना होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले दिखाया था, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो, तो जिसमें एंटीना होता है और उस एंटीना के थ्रू जो होता है ट्रांसमीटर होता है और उसके साथ एक अडाप्टर जुड़ा होता है जो रिसीविंग। तो यानी ट्रांसमीटर और अडाप्टर एक तरह से एक डिवाइस,
एक टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस होता है। तो एक्सेस पॉइंट यूजेस द वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स मोड टू प्रोवाइड ए कनेक्शन पॉइंट बिटवीन ए वायरलेस लैन एंड ए वायर्ड इथरनेट। तो इसका मतलब है, अगर सपोज कर लो आपके पास वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी केबल के साथ जुड़ा हुआ लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक ऐसा जो कि वायरलेस, यानी जैसे लैपटॉप भी अगर आपका नेटवर्क से जुड़ता है, तो लैपटॉप को जोड़ने के लिए आपके पास लैपटॉप में जो वायरलेस की फैसिलिटी होती है, यानी जो वाईफाई होता है, वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो, तो इस तरह से एक वायरलेस लैन जो होता है, एक वायर्ड लैन के साथ जुड़ने के लिए एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक्सेस पॉइंट माइट ऑल्सो प्रोवाइड मेनी पोर्ट्स दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज द नेटवर्क साइज, वायरलेस फायरवॉल कैपेबिलिटीज एंड डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज। तो यानी एक्सेस पॉइंट अगर है तो बहुत सारे ये जो हमारे पास होते हैं कि अगर हमको नेटवर्क के साइज को इंक्रीज करना है मे पोर्ट्स ऑफ द, तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब एक्सेस पॉइंट का बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको दिया गया है। जैसे सपोज कर लो, यहाँ एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम एक्सेस पॉइंट का कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा एक डिवाइस है, देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सेस पॉइंट डिवाइस है। अब ये जो ऊपर दिख रहा है इसको छोड़ देते हैं, ये तो आपके पास जो वायर्ड कनेक्शन है, यानी ये जो वायर्ड कनेक्शन है वो वायर के थ्रू कनेक्ट हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देख सकते हैं जिसके साथ कनेक्ट हुआ है, जिसके साथ एक एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट हुआ है। यानी जिस तरह से ये वाला जो पोर्शन आपको कनेक्ट हुआ है, उस तरह से ये वाला भी एक पोर्शन है जो कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, यानी दो। लेकिन ये वाला जो आपके पास दिख रहा है, ये आपका एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट है। यानी जैसे यहाँ बताया गया है कि G10 ऑपरेट एज एन एक्सेस पॉइंट, यानी ये बहुत सारे वाईफाई डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो देख सकते हैं कि एक लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हुआ, दूसरा भी कनेक्ट हुआ, तीसरा भी कनेक्ट हुआ। तो इसका मतलब होता है इसमें जितने को कनेक्ट करने की फैसिलिटी होता है उतने को कनेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो बाकी लोगों को कनेक्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू। तो एक एक्सेस पॉइंट जो होता है मल्टीपल नंबर ऑफ वायरलेस, यानी जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इसको आपस में कनेक्ट करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक वायर्ड, यानी ये एक सिंपल सा लैन है, अगर हम बात करेंगे तो दिस इज ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और ये जो हमारे पास होता है कनेक्टिविटी होता है, दिस इज नोन एज एन वायरलेस लैन, यानी डब्ल्यू लैन जिसको हम लोग बोल रहे, तो दिस इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो होता है आपके पास जो होता है कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्सेस पॉइंट का यूज करते हो तो वायरलेस डिवाइसेस, यानी वाईफाई के थ्रू वायरलेसली, यानी बिना वायर का भी आप कनेक्ट कर सकते हो और एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर आप वायर का यूज करते हो तो वो नॉर्मली दैट इज नोन एज ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरी ट्राई इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको एक नेटवर्क जो हार्डवेयर होता है वो होता क्या है, और उसके साथ जुड़ी हुई जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको लास्ट में अभी बताया एक्सेस पॉइंट, उसी साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मॉडेम क्या होता है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि डिफरेंट जो नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्क कार्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इंटरनेट के साथ जुड़ना है, यानी आपको नेटवर्क के साथ जुड़ना पड़ेगा, अगर आपको नेटवर्क के साथ जुड़ना पड़ेगा तो ये जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंट नेटवर्क हार्डवेयर बताया है, ये जरूरी है आपके कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली, कुछ जानने को मिला कि एक पर्सनल कंप्यूटर किस तरह से नेटवर्क के साथ जुड़ता है और उसके जुड़ने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को अगर इससे समझे हैं आपने कुछ चीज़ें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।